आप कैरी so, कर सकते हो पार्टीज में वेडिंग में वेडिंग गेस्ट की तरह सो so, अगर आपको देखना है हाउ टू तो गेट दिस लुक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग so, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आई शेडो बेस से तो यहाँ पे मैं कंसिलर यूज की हूँ स्विस्ट ब्यूटी का एज माई आई शेडो बेस तो सबसे पहले मैं कंसीलर को अप्लाई करूंगी आईब्रोज के नीचे शार्प एजेस के लिए एंड उसके बाद पूरे लीड को मैं कवर कर दूंगी विद दैट कंसीलर एज माय आई बेस उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से एंड सेट कर लूंगी अपने आई को विथ सम लूज पाउडर सो आप कोई भी लूज पाउडर यूज कर सकते हो यहाँ पे सो so, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यूज करूंगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो so, यहाँ पे मैं इसके बाद एक ब्राउन शेड ले लूंगी आ, आप कोई भी पैलेट में से ब्राउन शेड ले सकते हो सो so, इस ब्राउन शेड को मैं अच्छे से क्रीज पे अप्लाई करूंगी ये हम लोगों का क्रीज शेड होगा एंड नेक्स्ट मैं क्लीन ब्रश के अब से उसको भी थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा और डीपर ब्राउन शेड को अप्लाई करूंगी और इसको मेनली फोकस आउटर वी एंड क्रीज पे सो so, एक पेंसिल ब्रश के हल्प से इस शेडो को मैं अप्लाई कर रही करू और धीरे धीरे इसको मैं इंटेंसिफाई करूंगी और क्रीज के साथ इसको ब्लेंड कर लूंगी सो so, ये डेप्थ प्रोवाइड करेगा आई लुक में और साथ में इस शेडो को मैं क्रीज पे भी लेके जाऊंगी नेक्स्ट मैं प्रीवियस क्रीज सेट के साथ अच्छे से एजेस को ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई हार्शनेस ना रहे ब्लेंडेड लगे पूरा आई लुक एंड इसके बाद मैं क्रिएट करूंगी कट क्रीज सो यहाँ पे मैं ब्रश के लिए यूज की हूँ प्रो आर्ट का कंसीलर ब्रश पहले मैं मार्क कर लूंगी कहा तक मुझे कट क्रीज क्रीज करना है पे पे एंड देन स्पेस को को मैं Next, मैं क्लीन कर लूंगी नेक्स्ट एजेस थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई हार्शनेस ना रहे नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज कर रही करूँ गोल्डन आई शेडो सो ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन शेड है उसको ऑल ओवर द लीड मैं अप्लाई की हूँ सो आप चाहो तो यहाँ पे कंसीलर को सेट कर सकते हो और थोड़ी देर वेट करके फिर इस शिमरी शेड को अप्लाई कर सकते हो एंड अगेन ब्राउन शेड को फिर से अप्लाई करो आउटर व्ही पे ताकि अच्छे से ब्लेंडेड लगे दोनों शेडो नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज करूँ निक्स का ग्लिटर ग्लू सो so, इसको मैं गोल्डन शेडो के ऊपर मैं अप्लाई कर लूंगी बिकॉज इसके ऊपर में मैं अप्लाई करूंगी ग्लिटर सो so, यहाँ पे मैं ग्लिटर पैलेट यूज की हूँ दिस वन इज फ्रॉम एमाजॉन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो वाइट गोल्डन शेड है उसको अप्लाई कर रही करियू पे भी मैंने गोल्डन शिमर शेड अप्लाई किया था उसके ऊपर सो so, इसको मैं अप्लाई कर लूंगी फ्लड ब्रश के हल से और आप देख सकते हो लो लाइट पे ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसके बाद मैं आई लाइनर अप्लाई करूंगी दिस वन इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड इसके हल से मैं एक विंग आई लाइनर अप्लाई कर लूंगी बहुत ज्यादा थिक लाइनर नहीं अप्लाई कर रही करियू मैं थिन विंग्ड आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ सो अगर आपको डिफिकल्ट लगता है लाइनर देन आप इस टेप को कर सकते हो विवट लाइनर ऑल सो ये लुक अच्छा लगेगा नेक्स्ट यहाँ पे मैं पॉइंटेड इनर कॉर्नर भी क्रिएट की हूँ एंड इसके बाद काजल अप्लाई करूंगी लोअर वाटर लाइन पे एंड यहाँ पे मैंने फेस कैमरा का कोल अप्लाई किया है नेक्स्ट मैं ब्राउन शेडो को अप्लाई करूंगी लोअर लैस लाइन को स्मूक आउट करने के लिए एंड इनर कॉर्नर एंड ब्राउन को हाईलाइट कर लूंगी पिथम हाईलाइटर यहाँ पे मैंने मेकअप रिवोल्यूशन का हाईलाइटर यूज किया है सो so, ये बहुत ही पिगमेंटेड हाईलाइटर है मुझे अच्छा लगे ये हाईलाइटर नेक्स्ट मस्कारा के लिए यूज कर फॉर्मूला का मस्कारा सो so, ये मस्कारा भी अच्छा है बट ये थोड़ा सा ड्राई है मेरा वाला बट अदरवाइज दिस मस्कारा इज गुड एंड इसके बाद मैंने फोर्स आईलैश अप्लाई किया है एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक आई so होप आपको अच्छा लग रहा होगा आज का ओवरऑल आई मेकअप बहुत ही सिंपल है इसको क्रिएट करना अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया फॉर मोर अपडेट जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज की हो एज यूजल लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो so मैं आपसे फिर से भी न्यू वीडियो के साथ चलते हैं टेक केयर एंड बाय